दोस्तों यकीन मानिए, अगर ये वीडियो आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपका ये भ्रम कभी भी दूर नहीं होगा कि जो भी इनसाइड कैंडल का कॉन्सेप्ट है, जो भी मदर बेबी कैंडल का कॉन्सेप्ट है और जो भी बुलिश और बेरिश हरामी कैंडल का कॉन्सेप्ट है, वो तीनों कॉन्सेप्ट एक ही हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि बुलिश कैंडल स्टिक, बुलिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न, या फिर इनसाइड कैंडल, या फिर मदर बेबी कैंडल, ये इनमें आइडेंटिफाई नहीं कर सक पाते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, आपको सारे डिफरेंसेस आज के बाद आप समझ जाओगे कि ये तीनों कैंडल्स एक ही हैं, बस इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। इनके पीछे की प्राइस स्ट्रैटजी क्या होती है, इसके पीछे का प्राइस एक्शन क्या होता है, वो हम लोग इस वर्कशीट पर समझेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक कैंडल जो कि एक बुलिश कैंडल बनाएंगे हम लोग, जिसका सपोज करिए वही बिजनेस कॉन्सेप्ट 10 रुपीज़ ओपनिंग प्राइस है और हाई उसने 18 का बनाया है, लो वो 8 रुपये का बनाती है और क्लोज 16 रुपये पे हो जाती है। अगर ये एक कैंडल है जो कि एक बुलिश कैंडल है, आप देख पा रहे होंगे, तो जो बेबी कैंडल बनेगी उसका, इसका जो हाई क्लोज है, जो ओपन प्राइस है और जो कि क्लोज प्राइस है, तो उस कैंडल का जो हाई और लो होगा इसके बीच में होगा। तो पहले हम लोग हाई लो मार्क कर लेते हैं। जो उसका लो होगा वो 10 रुपये का होगा, जो उसका हाई होगा वो 16 रुपये का होगा। और जो उसका ओपन होगा वो मान लेते हैं हम लोग 11 रुपये का होगा। और जो उसका क्लोज होता है उसको हम मान लेते हैं कुछ 15 रुपये, क्लोज प्राइस 15 रुपये, है ना। क्योंकि ये डेटा यहाँ से गलत जगह मिसप्लेस हो गया है, तो इसको कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स, और ये देखिए, ये जो कैंडल है ये एक, इसको हम लोग बेबी कैंडल कह सकते हैं, इसको हम लोग बुलिश हरामी कैंडल कह सकते हैं। क्योंकि ये दोनों कैंडल बुलिश बनी है तो इसमें एक हमें बेरिश कैंडल भी बनानी पड़ेगी, तो इसमें हम लोग प्राइस एक्शन चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग इसका ओपन और क्लोज की वैल्यूज चेंज करेंगे 15 और 11 के साथ, ताकि एक बेरिश कैंडल बन जाए। तो ये कैंडल जो है वो आप इसको बेबी कैंडल के तौर पे कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वन कैंडल है ये मदर कैंडल है, सेकेंड वन कैंडल बेबी कैंडल है, और आप इसको बेरिश हरामी कैंडल भी कह सकते हैं और आप इसको इनसाइड कैंडल भी कह सकते हैं। अब इसके साथ जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती है वो हमेशा ये बनती है, जब भी प्राइस ब्रेक करेगा, अगर ये रेड कैंडल बनी है ग्रीन के बाद, मीन इस मदर कैंडल का जो बेबी है वो रेड है, मीन बेरिश कैंडल है, तो जब भी ये वाला प्राइस टूटेगा 8 रुपये का प्राइस, तो स्टॉक नीचे आ जाएगा। और अगर फर्स्ट वन कैंडल बेरिश कैंडल है और जो बेबी कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, तो जब भी प्राइस 18 को ब्रेक करेगा तो एक बुलिश मोमेंटम मिलेगा। इन कैंडल्स को ट्रेड करने का यही तरीका है। आई होप कि इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, बुलिश बेरिश हरामी कैंडल, इनसाइड कैंडल, और जो भी कॉन्सेप्ट थे वो आपके डाउट थे वो क्लियर होंगे। अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हों तो इस वीडियो को आप लाइक कर दो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसी तरह के जिसमें आपके बहुत सारे डाउट दूर होने वाले हैं, मैं इस चैनल में आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।